दूर कहीं एक जंगल में एक छोटी सी प्यारी सी टूनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत दयालु थी। वो हर बार किसी ना किसी की मदद किया करती थी। बूढ़े पंछियों की मदद करना, छोटे बच्चों को पढ़ाना, पंछियों को खतरों से बचाना, ये सब काम किया करती थी। एक दिन ऐसे ही टूनी चिड़िया जंगल में गाना गाते हुए जा रही थी। मैं हूँ एक छोटी सी चिड़िया, मुझे अच्छी लगती गुड़िया, मैं जंगल में उड़ती जाती, नहीं किसी से घबराती। जब चिड़िया ऐसे ही गाना गाते हुए जंगल में घूम रही थी, तभी उसे कहीं से आवाज आई। ओ चिड़िया, अरे ओ प्यारी चिड़िया, मैं तड़प रही हूँ नीचे, कोई पानी में मुझे खींचे। तभी टूनी चिड़िया को नदी के किनारे एक मछली तड़पते हुए दिखाई दी। वो जल्दी से उसके पास चली गई। तुम कौन हो और ऐसे नदी के पास क्या कर रही हो? मैं हूँ एक छोटी सी मछली, मैं पानी से ऊपर उछली, ऊपर आया हवा का झोंका, उसने मुझे यहाँ फेंका। अब क्या करे, तुम तो हो जल की रानी, जीवन तुम्हारा है पानी, हाथ लगाओ तो डर जाओगी, बाहर रहोगी तो मर जाओगी। मुझे जाना होगा पानी के अंदर, बुला रहा है बड़ा समंदर। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें पानी के अंदर छोड़ देती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करो। टूनी चिड़िया मछली को पानी के अंदर छोड़ देती है। जैसे ही मछली पानी के अंदर चली जाती है, वैसे ही उसकी जान में जान आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगा। तुम पानी में कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं यहाँ पर तैरते तैरते आई थी, पर मेरा घर बहुत दूर है, पर बहुत अच्छा है। काश मैं भी पानी में तैर सकती तो तुम्हारा घर भी देख सकती। देखना चाहोगी? हाँ जरूर, पर मैं कैसे आऊँ पानी में? मैं तो पानी में सांस भी नहीं ले सकती। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुम पानी के ऊपर उड़ना, मैं नीचे से एक बुलबुला बना दूंगी, तुम उसमें घुस जाना। फिर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब जगह ले जाऊंगी। जब जी चाहे तब वापिस आ जाना। हाँ हाँ, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है। टूनी चिड़िया पानी के ऊपर उड़ने लगती है। तभी मछली नीचे से एक बड़ा गुब्बारा बना लेती है। टूनी चिड़िया उसके अंदर आ जाती है। अपने पैर धीरे धीरे चलाओ, धीरे चलाओगी तो धीरे धीरे चलोगी, ये गुब्बारा फूटेगा नहीं, ये बहुत खास किस्म का गुब्बारा है। अब चलो मेरे साथ। जैसे जैसे टूनी चिड़िया पैर चलाते गई, वैसे ही वो गुब्बारे के साथ पानी में चली गई। ये सब पीछे से नागराज देख रहा था। अब आई चिड़िया मेरे हाथ में, मैं अब जल्दी से पानी के अंदर चला जाऊंगा और चिड़िया का गुब्बारा फोड़कर उसे खा जाऊंगा। टूनी चिड़िया पानी के अंदर थी। इससे पहले उसने ऐसा नजारा कभी भी नहीं देखा था। वाह, कितना सुंदर है ये सब, कितना मजा आता होगा तुम्हें यहाँ पर। हाँ मजा तो आता है, पर हमेशा किसी ना किसी का डर रहता है। वो कैसे? जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, वैसे ही मेरे जैसे हजारों, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी, कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ भी रहती है। कोई पानी के अंदर की घास खा जाता है तो कोई उन मछलियों को ही खा जाता है। पर क्या करे, ये तो पर्यावरण का एक हिस्सा है। ये तो हमारे जमीन पर रहने वाले जानवरों के जैसा ही है। जमीन हो या आसमान, हमेशा डर के साए में ही जीना पड़ता है, पर मैं नहीं डरती किसी से। चलो मैं तुम्हें मेरा घर दिखाती हूँ। नागराज उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। तुम पानी कैसे पी लेती हो? अरे बाबा, हम भी मुंह से ही पानी पीते हैं।
तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा तुम तो पानी में ही रहती हो, तो पानी पीने की क्या जरूरत। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते रहे वैसे ही आगे से बड़ा शार्क आ जाता है। अरे बाप रे, चलो भागो यहाँ से। अरे चलो जल्दी से आओ मेरे पीछे पीछे। टूनी चिड़िया उसके पीछे भागने लगती है। दोनों बड़े खंडर के पीछे छुप जाते हैं। वाव, कितनी बड़ी मछली है। अरे चुप रहो। क्या हुआ, उसे जाने दो। शार्क वहां से चला जाता है। कितनी बड़ी मछली थी? अरे वो शार्क था, एक निवाले में ही वो तुम्हें खा जाता। बाप रे, फिर तो अच्छा हुआ हम छुप गए। हाँ चलो, अब मेरा घर पास में ही है। टूनी चिड़िया मछली के घर के पास आ जाती है। वो उसका घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो बताओ कैसा है मेरा घर? कितना सुंदर है, काश मैं यहाँ पर हमेशा आ सकती। हाँ तुम आ सकती हो, बस मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे लिए गुब्बारा बना दूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना होगा। बाय बाय प्यारी चिड़िया, वापस जरूर आना। हाँ टूनी चिड़िया ऊपर आने लगती है, तभी नागराज नीचे से उस पर हमला करने झपट पड़ता है। पर टूनी चिड़िया ऊपर उड़ जाती है और गुब्बारा नागराज के मुंह में ही फंस जाता है। जैसे ही नागराज उसमें फंस जाता है वैसे ही वो आसमान में उड़ने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है, अरे कोई बचाओ। अरे ये क्या हो गया, कहाँ पर फंस गया मैं? देखा नागराज, मुझे खाने का प्रयास करोगे तो ऐसे ही बुरा फंस जाओगे। अब आई अकल ठिकाने।